हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ब्यूटीफुल सा एक 1 BHK टेरेस फ्लैट। वीडियो का एंड तक जरूर देखना, प्राइस और एरिया भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यार फ्रेंड्स, आपका लिविंग सबसे पहले हमें मिल जाता है। लिविंग 600 स्क्वायर फीट का ये एक 1 BHK फ्लैट है। ये रहा इसका सीलिंग, ब्यूटीफुल सा सीलिंग आपको मिल जाता है। ये रहा इसका मेन डोर, ये आपका मेन डोर रहेगा। एक बार मैं आपको डोर को यहाँ से दिखा देता हूँ। ये रहा आपका सीलिंग, सीलिंग का कॉर्नर में आपको कुछ इस तरीके का POP डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा। छोटा सा वीडियो, कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए, कुछ भी कन्फ्यूजन आपका मन में नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, लिविंग का सामने एक बालकनी रहेगा। यहाँ पर झूमर 6x8 का विंडो रहेगा, इसे आप टेरेस भी कह सकते हो। ये रहा फ्रेंड्स, ये आपका लिविंग का सामने का टेरेस रहेगा। जानकारी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ये एक रीसेल फ्लैट है और ये जो फ्लैट है ये आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाएगा फ्रंट फेसिंग पर। बात कर लेते हैं लोन, 90% तक लोन हो जाएगा, फिर 10% आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको लिविंग को यहाँ से दिखा दूंगा। पहले इसे हम देख लेते हैं एक बार। ये आपका टेरेस और ये रहा फ्रेंड्स आपका लिविंग, देख लीजिए। बात कर लेते हैं मेंटेनेंस, स्टार्टिंग आपको 12,000 मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब आप चाबी लेते हैं। 1 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं किचन, इस तरफ आपका लंबा सा पैसेज आपको मिल जाएगा। लेफ्ट में है किचन, राइट में है टॉयलेट बाथरूम और ये रहा फ्रेंड्स आपका किचन। एक बार आप किचन का साइज देख लीजिए। बिल्डिंग का जो नाम है आर्ट्स रेसिडेंसी बिल्डिंग का नाम है फ्रेंड्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये नेरेल ईस्ट में है, स्टेशन से ऑनली 10 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस में है प्रॉपर्टी। पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स रहेगा सीलिंग लेवल तक। ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म, स्टील का सिंक, 24 आवर्स यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा, ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी और दूसरा आपका बोरिंग का कनेक्शन भी है यहाँ पर। और इस तरफ है आपका बालकनी, वेंटिलेशन के लिए इस तरफ आपको विंडो दिए गए हैं 4x8 का और किचन का सामने बालकनी रहेगा। राइट में है आपका वॉशिंग मशीन और लेफ्ट में आपका फ्रिज। अगर आप बालकनी में रखना चाहते हो तो बालकनी में भी रख सकते हो फ्रिज को, या फिर आप किचन में भी रख सकते हो। ये रहा आपका बाहर का व्यू। अगेन फर्स्ट फ्लोर पे फ्रंट फेसिंग पर ही ये फ्लैट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार मैं आपको किचन को यहाँ से दिखा देता हूँ। अगेन ये एक रीसेल फ्लैट है, 600 का एरिया है फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं टॉयलेट और बाथरूम। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए जगह दी गई है, नीचे एक वॉश बेसिन कॉर्नर में और ये रहा फ्रेंड्स आपका बाथरूम। एक बार आप बाथरूम का साइज देख लीजिए। पूरा वॉल टू वॉल यहाँ पर भी आपको टाइल्स मिल जाता है। ऊपर की तरफ शावर, गीजर के लिए भी पॉइंट है। बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्लैट है, सिर्फ 6 महीने हुआ है इस फ्लैट को पोजीशन लेते हुए। और ये रहा फ्रेंड्स आपका टॉयलेट, टॉयलेट में आपको यहाँ पर इंडियन मिल जाता है सेम डिज़ाइन। पूरा वॉल टू वॉल यहाँ पर भी आपको टाइल्स मिल जाता है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ये रहा आपका बेडरूम, एक बार आप बेडरूम का भी साइज देख लीजिए। बेड लगा कर आपको काफ़ी सारे स्पेस मिल जाता है। ये रहा फ्रेंड्स इसका सीलिंग। अगेन जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता उन सभी को मैं बता देता हूँ, नेरल जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तालुका जो है कर्जत है और स्टेट जो है महाराष्ट्र है फ्रेंड्स। बेडरूम का सामने एक बालकनी 6x8 का विंडो रहेगा। ये रहा फ्रेंड्स आपका बालकनी। एक बार मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये आपका बेडरूम का बाहर का व्यू। एक बार हम बेडरूम को यहाँ से देख लेते हैं। बेड लगा कर भी काफ़ी सारे स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये रहा इसका सीलिंग। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिमांड। इसका जो डिमांड है 20 लाख विथ रजिस्ट्रेशन डिमांड है। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी कुछ सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।